साथियों को मेरा जोहार और हमारे इस चैनल मुंडी 75 वीलॉग में आपका स्वागत। तो दोस्तों, हमारे पहले के वीलॉग्स की तरह आज का ये वीलॉग हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है। क्या है कि आप लोग तो जानते ही हैं, हम लोग के यहाँ इस क्षेत्र में आदिवासी मशरूम यानी कि जो हम लोग का देहात मशरूम, जंगली मशरूम बहुत मिलते हैं, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। तो उसी में से एक प्रकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जो भाई लोग नहीं जानते हैं, ये वीडियो उन लोग के लिए खास है, तो अंत तक ज़रूर देखें। ये मेरा सुबह का एक्सपीरियंस है, वही सुबह 6-7 बजे का। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि हमको भी जानने के लिए मिला इंदी ऊट के बारे में, जो कि ये सितंबर के महीने में ही मिलता है। उसके बाद फिर दशहरा दसाई ऊट निकलेगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग इंदी ऊट के यानी इंदी मशरूम के बारे में हम लोग की इस वीडियो में। तो समय ना गंवाते हुए चलते हैं हम लोग की वीडियो की ओर। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कुछ खास है। आज सुबह 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 हम लोग उठे हैं, तो इस रास्ते चलते हैं। वाह, चलिए दिखाते हैं कुछ खास। वाह, एक ही है कल में। अच्छा, कल तोड़े थे ना। चलिए दिखा देते हैं दोस्तों को। ये देखिए दोस्तों, मशरूम हमारे बगल में ही है। देखिए, क्या बोलते हैं, इंदी ऊट। तो इसको बोला जाता है दोस्तों इंदी ऊट। देख रहे हैं, ये पूरा अंदर तक लंबा रहता है। लंबा रहता है, छोटा नहीं है, छोटा ही है। निकाल लीजिए, थोड़ा सा बड़ा होने देते यार। एक तो है दे दे ही पर ठीक से नहीं निकला है। ये वाला ना, अब ये देखिए भी नहीं निकला है, और तो आज शाम तक निकलेगा। हाँ जी, चलिए निकाल लीजिए इसका, नहीं तो और हम लोग के यहाँ लोग चेक करते रहते हैं, तो निकाल लेगा। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा खुलेगा, तो बड़ा हो जाएगा, अब तो छोटा ही है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो मशरूम जो अभी कैसे दिख रहा है। 200 रुपये किलो बताया ना फूफू कल चाची, 200 रुपये केजी है दोस्तों। हमें हमारे घर के आसपास में मिल जा रहा है। देख रहे, तो मेरी चाची बोल रही थी। हाँ, तो चलिए चलिए घर से निकलते हैं। और कल शाम में फूफू तोड़ी है, वो भी दिखाते हैं आपको। दिखाइए कहाँ तोड़े थे। ये देखिए दोस्तों, कितना मशरूम। इनमें से कौन सा कल नहीं खिला था। ये ना, आप देखिए आज खिल जाएगा। और ये भी देखिए शाम तक अपने आप ये खिल जाएगा। देखिए इतना मशरूम हम लोग को मिल गया, तो मतलब आज हम लोग मशरूम की डिश बनाएंगे। तो देखते हैं, अगर हो सकेगा तो आपको इसकी कुकिंग भी दिखाएंगे, इस डिश को कैसे बनाया जाता है कि नहीं फूफू। चलिए तब ठीक है ना, इतना ही दिखाते हैं। और शाम तक और होगा। इसको क्या बोला जाता है, इंदी ऊट ना। ठीक है, शाम तक देखते हैं अगर और मिलता है तो। अभी इस समय इंदी ऊट का समय है। उसके बाद आप लोग बोलते हैं दसाई ऊट ना, यानी कि दशहरा, यानी जिसको बोलते हैं दशहरा, दुर्गा पूजा समय खिलता है वो। वाह, चलिए ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। तो ये जो वीलॉग था हमारा, हमारे सुबह के छोटे से एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था, जो कि हमने कुछ ऐसा देखा जो उससे पहले हम लोग ने नहीं देखा था। तो हम लोग को लगा आप लोग से साझा करना चाहिए, इसीलिए हम लोग ने वीलॉग हिंदी ऊट के ऊपर बेस्ड हम लोग ने बनाया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो सच में पसंद आया हो, तो आप इसमें लाइक और कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताएं कि आपको और आगे किस टाइप का कंटेंट चाहिए। और उसके साथ साथ अगर जो नए यूज़र्स हैं, उनके लिए प्लीज़ आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोग के पास हमारी जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आता रहे। वो इसलिए क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। वो हमारे जितने भी गाँव की हम लोग गहराई में घुसने वाले हैं, तो गाँव की गहराई में
बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी विषम परिस्थिति, इतनी खराब परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो किस तरह जी रहे हैं और फिर भी कई लोग खुश हैं। अब उनकी लाइफ को देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका दिल पसीज जाएगा, मगर आपके साथ साथ आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। वो मोटिवेशन ऐसा होगा कि इतनी ख़राब स्थितियों में भी कैसे कोई आदमी खुश रह सकता है और जीवन को सर्वाइव कर सकता है। मतलब वो अंदर से इतने मजबूत हैं, उनकी मजबूती देखते ही बनती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये ऐसी इस टाइप की वीडियोज़ हैं वो आने वाले समय में आपको बहुत मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग गाँव के अंदर आदिवासियों की ज़िंदगी को बहुत बारीकी से दिखाने वाले हैं आने वाली वीडियोज़। तो प्लीज़ हम लोग से बने रहें और जो नए यूज़र हैं वो हम लोग से जुड़े, ताकि हम लोग इस जो हमारी ये एक कोशिश है इसको हम बड़े दर्जे पर कर सकें। कहीं ना कहीं उन लोग को हम लोग कोई मदद कर पाएंगे और साथ के साथ ही उनसे जो हमें मिलेगा वो उससे भी बड़ा होगा। हमें कहीं ना कहीं ऐसा मोटिवेशन मिलेगा अपनी ज़िंदगी से लड़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, जो अमूल्य होगा। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।